मैयर गांव में स्थित एचपी कॉटन मिल में सोमवार को वर्करों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। मिल में कार्यरत सभी वर्कर गेट पर धरने पर बैठ गए और मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान वर्करों की एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई भी हुई, जिसमें गार्ड घायल हो गया। वर्करों का आरोप है कि मिल उनका सालों से शोषण करता आ रहा है, न ही उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और न ही ओवरटाइम का पैसा दिया जा रहा है। वर्करों ने आरोप लगाया है कि मैनेजमेंट के सदस्य वर्करों से जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। उन्हें मिल में पीने के लिए साफ पेयजल और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। और 28 जनवरी 1985 को कारपेंटर में भर्ती हुआ था यहाँ। 1985 मेरा खून चूस के ये कर दिया, स्टेट ने बुरा खिलाड़ी था है, और मेरा खून चूस चूस के ये हालात करी है। 7,000 रुपये दे रहे मेरे को। डिप्लोमा आईटीआई होल्डर हूँ, इंस्ट्रक्टर और हर चीज की और कोचिंग की हर चीज की मेरे में अंदर रीता है, और मेरे को 7,000 रुपये दे रहे हैं। और पिछले महीने बाकियों के साथ क्या हो रहा है? सबके साथ ये हाल है, 7,000 रुपये किसी को नहीं दे रहा। कम से कम हरियाणा सरकार को दे रहा क्या न्यूनतम वेतन? वो तो होना चाहिए, न्यूनतम वेतन होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ खून चूस रही है सबका। तो हालात देखो सब क्या। मेरा नाम बेबी रानी है, मैं एचपी में काम करती हूँ 15 साल से। मेरे को कोई फॉरफिटेक नहीं हुआ है, मतलब ना तो पेमेंट में ना रिवार्ड में। रिवार्ड हम लोगों को देता है 4 घंटे काम करवाता है, देता है 2 घंटा। पेमेंट देता है हमें 8 घंटे की 7,000, कुल मिला के मिलता है 8,000। अब बताओ इसमें हम क्या करें, क्या खाएं, क्या बचाएं? बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छे से लिखा नहीं सकते, उड़ा पहना नहीं सकते। एचपी कॉटन मिल हिसार के मैयर गांव में पिछले 35 सालों से चल रहा है। मिल के प्रबंधक पर पहले भी वर्करों का शोषण करने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले बोनस को लेकर पिछले वर्ष वर्कर हड़ताल पर बैठ गए थे। अब फिर मिल के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के वर्करों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल पर बैठी पूनम ने आरोप लगाया है कि वर्करों से ओवरटाइम 4 घंटे करवाई जाती है और उन्हें पैसे 2 घंटे के दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्करों को लेबर रजिस्टर नहीं दिखाया जाता है, और जब कोई वर्कर मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे प्रबंधक द्वारा निकाल दिया जाता है। मिल के गेट पर धरने पर बैठे वर्करों ने मिल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी मांगे पूरे नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। वर्करों ने कहा कि मिल के प्रबंधक उन्हें दबाने का काम कर रही है, लेकिन सभी वर्कर एकजुट हैं और अपनी मांगों को मनाकर ही रहेंगे। मेरा नाम पूनम है, मेरे को इस कंपनी में काम करते हुए 14 साल हो गए। आज तक भी हमको जैसे हमें पेमेंट मिलती है वो हमारे टाइम पे नहीं मिलती है, जिसमें कि यहाँ सरकार को लागू कर रखी है सारी चीज़ के लिए। पेमेंट सारी इस कंपनियों में बढ़ रखी है, पर हमारी कंपनी में कोई पेमेंट नहीं बढ़ रही। हमको जैसे वापसी देते हैं तो उसके हिसाब से हमको कोई वो नहीं मिलती। हमें हमारा वो भी मिलना चाहिए, वापसी उसका टैक्स भी मिलना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों का वो नहीं है। अब जिसमें कि जो लेडीज प्रेग्नेंट है उस लेडीज़ की 6 महीने की छुट्टी है, ये लोग 3 महीने की देते हैं। अब आप खुद बताओ कि वो घर का वो करेगी कि वो खुद अपने वो करेगी? ये लोग 6 महीने की छुट्टी नहीं देते, 6 महीने की हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। हमारी पेमेंट 18,000 होनी चाहिए, ठीक है? और हमारे अंदर अभी हमारी 7,000 है केवल। 7,000 में हम क्या क्या करेंगे यूँ बताओ? आप खुद देख लो कि जो लेडीज जिसका परिवार पूरा यहाँ पे है तो वो क्या करेगी, आप खुद लगा सकते हो। तो हमारी पेमेंट 18,000 होनी चाहिए, हमारी अंदर सारी चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ तो बाहर सारे एसी लग रहे हैं, अंदर जाके देखो आप क्या हाल है। हम लोग यहाँ पे गर्मी में मर मर के काम करते हैं, कोई कोई लेडीज तो चक्कर खा के गिर जाती है। तो हम लोग क्या इंसान नहीं है क्या? हम लोग जानवर हैं क्या? हम लोगों को जॉब पर सुपरवाइजर गाली देता है, मैनेजर हमको यूँ कहता है हिसाब दे देंगे, क्योंकि इनको सालों को निकालोगे हिसाब दो। तो क्या हम के यहाँ पे फालतू हैं क्या? हम लोग फालतू नहीं है, ठीक है? आप लोग हमारी पेमेंट बढ़वाओ, हमारी जो मांगे वो पूरी करवाओ, तभी हम अंदर जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। एचआर प्रमुख अविनाश प्रताप सिंह ने कहा कि मिल द्वारा सभी मजदूरों को सरकार के नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। वर्करों को बाहरी तत्व भड़का रहे हैं, मिल में वर्करों को सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यह संभव ही नहीं है कि मिल द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा सके। कंपनी हमारे हरियाणा सरकार और भारत सरकार के सारे नियमों का पालन कर रही है, और कुछ बाहरी लोग जो है इसको बका रहे हैं, और उसके बकाव में हमारे लोग जो है अभी इलीगल स्ट्राइक, और सारे नियमों और कानून का हम पालन कर रहे हैं।